जय हिंद फ्रेंड्स, स्टडी मंत्रा भाई इनके चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2020 बैच का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का पेपर छूट गया था उसके लिए मैंने पहले बताया है कि आपके पेपर 8 मार्च से स्टार्ट हैं। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट आ गया है या जिनके रिजल्ट में कोई दिक्कत आई है, भी अपलोड नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना है इसी बारे में वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ITI कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप CCC करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में CCC आप पास होंगे अच्छे ग्रेड से। केवल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप UP CCC लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या ITI अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे इन दोनों एग्जाम्स में, वो सभी मैं कवरअप कर लूँगा। 100% इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको इन एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। तो अगर आप इनमें से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और जितने भी वीडियो आते हैं उनको आप पूरा देखें। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं, जानकारी देते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात ये है 2020 सेशन के बच्चों के लिए, जिन छात्रों का रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है वह परेशान न हो। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि परेशान न हो, रिजल्ट सही हो जाएगा। जैसे कोई ऑफिशियल सूचना आती है तुरंत चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन तब तक आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। सभी ITI लगभग लगे हुए हैं कि बच्चों के रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई उनको सुधारा जाए। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और थोड़ा सा इंतज़ार करें। जैसे ही रिजल्ट आपका सही होगा निश्चित ही आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। आगे बढ़ते हैं कि जिन बच्चों का रिजल्ट सही हो गया उनको क्या करना है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिन छात्रों का रिजल्ट अपलोड हो गया है वह तुरंत स्कॉलरशिप फॉर्म में पास अपडेट करा दें। जैसा कि मुझे ऐसा सुनने में आया है कि बच्चे बहुत परेशान हैं, तो निश्चित तौर पर यह परेशानी की बात है कि आप लोगों को बार बार अपडेट करना पड़ रहा है। पर कोरोना की वजह से जैसा कि परीक्षाएँ भी डिले हुई, स्कॉलरशिप अपने निश्चित समय पर चलता रहा, तो आप लोग एक बार दोबारा से अपना अपडेट करवा दें। जितने भी 2020 बैच के बच्चे हैं वो रिजल्ट में अपडेट करा दें। अपनी तरफ से कोई कमी स्कॉलरशिप फॉर्म में ना छोड़ें। स्कॉलर आना ना आना ये सब समाज कल्याण के ऊपर है, लेकिन कम से कम अपनी तरफ से आप पूरा एफर्ट डालें। तो सभी बच्चों को मेरी एक सलाह है कि आप अपने, इनका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट अपलोड हो गया, सभी अपना स्कॉलरशिप फॉर्म दोबारा से करेक्ट करा दें और संस्थान में जमा कर दें, जिसकी लास्ट डेट अभी 21 तारीख है, 21 फरवरी। तो आप लोग जल्दी करवा दें। डेट बढ़ने की, हालांकि हो सकता है डेट बढ़ भी जाए, उम्मीद इसकी बहुत ही कम है, तो आप लोग 21 फरवरी तक अपना करेक्ट जरूर करा दें। संस्थान में आप एक आध दिन बाद भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी या किसी क्लास के साथ। जय हिंद।